नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूँ। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो साथियों, ये डेली हम लोगों की करंट अफेयर की क्लास हुआ करती है, उसी क्रम में आज भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को यहाँ पे करेंगे, जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम लोग बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ पढ़ने का काम करते हैं। ठीक साथियों, तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है साथियों, सबसे पहली जानकारी है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आयुष डे केयर थेरेपी केंद्र को स्वीकृति मिली है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आयुष डे केयर आयुष डे केयर थेरेपी केंद्रों को स्वीकृति मिली है। क्या मिली है साथियों? स्वीकृति मिली है। साथियों, केंद्र सरकार के जो भी कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों के लिए आयुष डे केयर थेरेपी केंद्र को स्वीकृति मिली है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए केंद्र सरकार के जो वर्तमान कार्यरत कर्मचारी हैं, या तो केंद्र सरकार के वे कर्मचारी जो कि पेंशन भोगी अर्थात रिटायर हो चुके हैं, पेंशन भोगियों के लिए आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली के तहत डे केयर थेरेपी केंद्र सुविधा के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें साथियों, आयुर्वेदिक से संबंधित दवाएं दी जाएंगी, योग किया जाएगा, योग के बारे में जानकारी दी जाएगी, साथ ही साथ प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली की भी बात की जा रही है इसके अंतर्गत। साथियों, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के निजी डे केयर थेरेपी केंद्र को जल्द ही क्या CGHS किसके द्वारा CGHS इसका फुल फॉर्म यह है कि इसका फुल फॉर्म होगा केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना, CGHS अर्थात केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा प्रदान की जाने वाली डे केयर थेरेपी सेंटर द्वारा ऑफ कन्वेंशन डे केयर थेरेपी सेंटर ऑफ कन्वेंशन दवा के पैनल के साथ के समान केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत सूचीबद्ध किया जाएगा। अर्थात आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के निजी डे केयर थेरेपी केंद्रों को जल्द ही केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा प्रदान की जाने वाली डे केयर थेरेपी सेंटर ऑफ कन्वेंशन अर्थात एलोपैथी दवा के पैनल के समान केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत सूचीबद्ध भी किया जाएगा। साथियों, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के सभी लाभार्थी साथ ही पेंशन भोगी इन केंद्रों का लाभ उठा सकेंगे, जो भी केंद्रों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। मंत्रालय ने यह कदम जनता के बीच दवाओं की आयुष प्रणाली की बढ़ती लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए सभी केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों के लिए लाभ उठाएंगे। डे केयर थेरेपी केंद्र की प्रारंभिक सूची को 1 साल के लिए दिल्ली और NCR में प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा और बाद में अन्य स्थानों के लिए भी विचार किया जाएगा। अर्थात सबसे पहले इसे कहाँ शुरू किया जाएगा? दिल्ली और NCR में इसके प्रयोग के लिए सबसे पहले इसकी शुरुआत की जाएगी। ठीक साथियों, अगर बात किया जाए तो इस योजना के अंतर्गत आपको सुविधा क्या मिलेगी?
ये जो केंद्र सॉरी ये क्या जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के आयुष डे केयर थेरेपी की सुविधा दी जा रही है, इसके अंतर्गत अगर बात करें साथियों, तो इस योजना के तहत डे केयर थेरेपी केंद्र में रहने की एक छोटी अवधि के लिए उपचार की प्रक्रिया कुछ घंटे से लेकर एक दिन से कम समय तक केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थी को उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के उद्देश्य अर्थात इसमें कुछ घंटे से लेकर एक दिन से कम ही लोग रह सकते हैं, अर्थात एडमिशन की जो बात की जा रही है। साथ ही साथ साथियों बात करें तो योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य और सेहत में सुधार, स्वास्थ्य देखभाल व्यय को कम करना और रोगियों को सेवा वितरण दक्षता और आराम प्रदान करना है। क्योंकि नए वातावरण में उपचार प्रक्रिया के लिए रात भर रहने की आवश्यकता नहीं होती है, यह बच्चों और बुजुर्ग रोगियों के लिए बेहद सुविधाजनक है। आयुष प्रणाली के लाभ को बढ़ाने के लिए यह भारत सरकार का यह एक और महत्वपूर्ण कदम है। ठीक साथियों, इसके अंतर्गत अगर बात करें तो आयुष डे केयर सेंटर का अर्थ अगर बात करें तो इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी होगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा, औषधालय होगा, क्लिनिक, पॉली क्लिनिक, ऐसा कोई केंद्र जो स्थानीय प्राधिकरण और लागू होने वाली संस्था से क्या हो पंजीकृत हो। इनमें पंजीकृत आयुष चिकित्सकों को देख रेख के उपचार की सुविधा व चिकित्सा तथा सर्जिकल पैरा सर्जिकल उपायों या दोनों के लिए सुविधा और इनमें कुछ आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाएं होंगी। जैसे योग्य पंजीकृत आयुष चिकित्सा भी होगा, मतलब ऐसा चिकित्सक होगा जो कि योग्य पंजीकृत होगा और वह आयुष चिकित्सक होगा। साथ ही साथ आवश्यकता अनुसार आयुष थेरेपी से जुड़ी निर्धारित श्रेणियां कुछ होंगी। रोगियों का दैनिक आधार पर रिकॉर्ड रखा जाए और उन्हें बीमा कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि के लिए सुलभ बनाना। साथ ही साथ निजी केंद्र के मामलों में NABH मान्यता प्राप्त व प्रवेश स्तर का प्रमाणन भी होना चाहिए इसके अंतर्गत। ठीक साथियों, ये जानकारी है केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए आयुष डे केयर थेरेपी केंद्र को स्वीकृति क्या दे दी है। ठीक साथियों, और अगर बात करें साथियों तो लखनऊ नगर निगम की ओर से जारी किए गए 200 करोड़ रुपए मूल्य वाले नगर पालिका ब्रांड को आज BSE में सूचीबद्ध किया गया है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नॉलेज नहीं है। अगली बात करते हैं हम लोग। साथियों, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान समारोह के विभिन्न संस्थानों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का पूर्वावलोकन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ठीक साथियों, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान समारोह भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान समारोह का आयोजन विभिन्न संस्थानों द्वारा यह किया जा रहा है आयोजन साथियों। इसका आयोजन 22 से 25 दिसंबर तक आयोजन 22 से 25 दिसंबर तक वर्चुअल माध्यम से इसका आयोजन किया जाएगा साथियों। वर्चुअल माध्यम से समारोह का आयोजन 22 से 25 दिसंबर तक वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। किसके माध्यम से?
वर्चुअल माध्यम से इसका आयोजन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान समारोह का आयोजन साथियों 22 से 25 दिसंबर तक वर्चुअल माध्यम से इसका आयोजन किया जाएगा। साथियों वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर यह अपने किस्म का सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव होगा। मतलब वर्चुअल माध्यम से अभी तक इतना बड़ा विज्ञान महोत्सव अभी तक हुआ नहीं है। यह सबसे बड़ा क्या होगा, समारोह होगा। साथियों इस वर्ष समारोह के अगर मुख्य विषय की बात करें तो इसका मुख्य विषय होगा आत्मनिर्भर भारत और विश्व कल्याण के लिए विज्ञान। इसका अगर मुख्य विषय की बात करें, सब्जेक्ट की बात करें, इसका सब्जेक्ट होगा आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर भारत और विश्व कल्याण। विश्व कल्याण के लिए विज्ञान। साथियों ये जो आयोजन किया जा रहा है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान समारोह का आयोजन जो 22 से 25 दिसंबर के बीच में किया जा रहा है, इस आयोजन के अगर मुख्य विषय की बात करें तो इसका मुख्य विषय होगा आत्मनिर्भर भारत और विश्व कल्याण के लिए विज्ञान। आत्मनिर्भर भारत और विश्व कल्याण के लिए विज्ञान। साथियों इस समारोह के दौरान 9 समानांतर रूप से 41 कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मतलब इस आयोजन में, ये जो आयोजन किया जा रहा है, इस आयोजन में साथियों 9 समानांतर रूप से, कितने 9 समानांतर रूप से कुल 41 अर्थात 41 कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 41 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 41 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, ठीक साथियों, जो ये आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ साथियों इसमें से 5 कार्यक्रम की प्रविष्टियां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए 5 अलग अलग श्रेणियों में भेजने का प्रयास करेगा। इसमें कुल 5 कार्यक्रम इस तरीके से होंगे, 5 कार्यक्रम ऐसे कार्यक्रम होंगे जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम शामिल हो सकता है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम शामिल होने की क्या है, संभावना है। साथ ही साथ साथियों भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान समारोह जो है, यह समारोह 2020 के आयोजन की देखरेख करने वाले राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और विज्ञान अध्ययन संस्थान अर्थात NIST ADS ने 1 दिसंबर 2020 को विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान के साथ मिलकर पूर्वावलोकन समारोह का आयोजन किया है। इस समारोह के साथियों अगर मुख्य मुख्य अतिथि की बात करें तो मुख्य अतिथि के रूप में विज्ञान भारती के अध्यक्ष डॉक्टर विजय पी भटकर ने अपने संबोधन में क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञान को संप्रेषित करने की आवश्यकता पर बल दिया। साथियों इस समारोह के अगर मुख्य अतिथि की बात करें, चीफ गेस्ट की बात करें, मुख्य अतिथि की बात करें तो विज्ञान भारती के जो अध्यक्ष हैं, विज्ञान भारती के अध्यक्ष जिनका नाम है डॉक्टर विजय पी भटकर, इस आयोजन के जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान समारोह का आयोजन 22 से 25 दिसंबर के बीच आयोजित किया जा रहा है, इस समारोह आयोजन के चीफ गेस्ट की बात करें अर्थात मुख्य अतिथि की बात करें तो विज्ञान भारती के अध्यक्ष डॉक्टर पी भटकर जी इसके मुख्य अतिथि होंगे, ठीक साथियों। विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव श्री जय सहस्रबुद्धे ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विज्ञान को एक उत्सव की तरह मनाए जाने से इसे बेहतर तरीके से समझने में क्या मिलती है, मदद मिलती है, ठीक साथियों, क्या मिलती है, बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है। साथियों यह आयोजन समिति के समन्वयक डॉक्टर विपिन कुमार ने पूर्वावलोकन कार्यक्रम में आने वाले सभी गणमान्य लोगों का स्वागत किया।
साथ ही साथ वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मोनिका जग्गी ने 22 से 24 दिसंबर 2020 को आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य महोत्सव वैज्ञानिकी वैज्ञानिका के बारे में विस्तृत जानकारी भी क्या दिया। साथ ही साथ साथियों, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की प्रचार टीम के समन्वयक डॉक्टर संध्या वाडिकर ने भी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान समारोह के दौरान क्या आयोजित किए जाने वाले अन्य कार्यक्रम के बारे में भी इन्होंने बताया। ठीक साथियों, इसी के कई कार्यक्रमों के बारे में इसके अंतर्गत जानकारी दिया गया। ठीक साथियों, अगली बात करें अगर साथियों कुछ हम लोग अगली जानकारी की बात करेंगे साथियों। अगली जानकारी है कि किस लघु फिल्म को 93 अकादमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है। किस लघु फिल्म को 93 अकादमी पुरस्कार में, तो ये साथियों फिल्म का नाम है, ये नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, सेमलेस। सेमलेस फिल्म को सेमलेस फिल्म को 93 अकादमी पुरस्कार में 93 में अकादमिक पुरस्कार में अकादमिक पुरस्कार में एक सेकेंड अकादमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है। साथियों, एक फिल्म है जिस फिल्म का नाम है क्या, सेमलेस। सेमलेस फिल्म को साथियों 93 अकादमिक पुरस्कार में, कौन से 93 अकादमिक पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पे चुना गया है। ठीक साथियों, साथियों कीथ गेम्स की लघु फिल्म है यह। ये जो सेमलेस फिल्म है यह कीथ, कौन सी कीथ, कीथ गोम्स की, कीथ गोम्स की कैसी फिल्म है साथियों, यह लघु फिल्म है। कीथ गोम्स की यह कैसी फिल्म है साथियों, लघु फिल्म सेमलेस को लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म, कौन सी लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में, इसे फिल्म सेमलेस को लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में 93 अकादमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया। साथियों, यह जो सेमलेस फिल्म है यह कीथ गेम्स की लघु फिल्म सेमलेस को 93 की लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म, कैसे लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में 93 अकादमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया। साथियों, सयानी गुप्ता, हुसैन दलाल और ऋषभ कपूर अभिनेता, सॉरी अभिजीत, सेमलेस 15 मिनट की एक कॉमेडी थ्रिलर हैं। कौन कौन, सयानी गुप्ता, साथ ही साथ हुसैन दलाल और ऋषभ कपूर अभिनीत सेमलेस 15 मिनट की एक कॉमेडी थ्रिलर हैं। यह लघु फिल्म मुख्य रूप से हुसैन दलाल द्वारा
अभिनीत एक वर्ड सॉरी अभिनीत एक वर्क फ्रेम होम प्रोफेशनल के जीवन में इर्द गिर्द घूमती है। किसके अभिनीत एक वर्क फ्रॉम होम, एक वर्क फ्रॉम होम प्रोफेशनल के जीवन में के इर्द गिर्द घूमती है, जो लगातार ऑनलाइन खाना ऑर्डर करता है, और शयानी गुप्ता के द्वारा अभिनीत एक हताश और क्षमा प्रार्थी पिज्जा डिलीवरी लड़की द्वारा खुद को फंसा हुआ पाता है। इस फिल्म का रोल क्या क्या है साथियों? इस फिल्म का सबसे बड़ी बात है कि यह फिल्म किसके वर्क फ्रॉम होम के इर्द गिर्द घूमती है, अर्थात वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड ही इसमें जो भी क्या किए गए हैं, एक्शंस किए गए हैं, जो भी क्रियाकलाप इसमें किए गए हैं वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें ऑनलाइन खाना भी ऑर्डर किया जाता है, साथ ही साथ शयानी गुप्ता के द्वारा अभिनीत एक हताश और क्षमा प्रार्थी पिज्जा डिलीवरी लड़की द्वारा खुद को फंसा हुआ पाता है। साथ ही साथ सेमलेस बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 के हाल ही में संपन्न तीसरे वर्जन में, कौन से तीसरे वर्जन में, फाइनल लिस्ट फिल्म थी। अभी हाल ही 2020 में संपन्न तीसरे वर्जन में फाइनल लिस्ट फिल्म थी, कौन सी, सेमलेस फिल्म जो थी। ठीक साथियों, ये जानकारी थी। अगली जानकारी की बात करें साथियों, तो किस राज्य ने छोटे जानवरों के लिए अपना पहला इको ब्रिज बनाया है? किस राज्य ने छोटे जानवरों के लिए अपना पहला इको ब्रिज बनाया? उत्तराखंड राज्य ने साथियों, उत्तराखंड राज्य ने अपना पहला इको उत्तराखंड राज्य ने अपना पहले अपना पहला इको ब्रिज पहला इको ब्रिज छोटे जानवरों के लिए, किसके लिए, छोटे जानवरों के लिए, छोटे जानवरों के लिए बनाया है। साथियों, उत्तराखंड राज्य जो है यह अपना पहला कैसा इको ब्रिज, पहला इको ब्रिज किसके लिए, छोटे जानवरों के लिए बनाया है। और इसमें बात करें साथियों, तो उत्तराखंड के रामनगर वन प्रभाग ने काला ढूंढी नैनीताल राजमार्ग पर राज्य का पहला इको ब्रिज बनाया। यह कहाँ है साथियों? यह उत्तराखंड के रामनगर वन प्रभाग, उत्तराखंड के रामनगर, रामनगर वन, रामनगर वन प्रभाग ने, रामनगर वन प्रभाग ने काला ढूंढी नैनीताल राजमार्ग पर, काला ढूंढी नैनीताल, काला ढूंढी नैनीताल राजमार्ग पर, नैनीताल राजमार्ग पर यह साथियों जो इको ब्रिज बनाया गया है, यह उत्तराखंड के रामनगर वन प्रभाग ने, कौन, रामनगर वन प्रभाग ने साथियों काला ढूंगी नैनीताल जो वहाँ राजमार्ग है उसी मार्ग पर यह इसे बनाया गया है। और यह साथियों पहला इको ब्रिज है, कैसा है, पहला इको ब्रिज है। साथ ही साथ साथियों 90 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े पुल का निर्माण सरीसृप और छोटे जानवरों जैसे कि सांप, गिलहरी, मॉनिटर, छिपकलियों को सड़क पार करते समय होने वाली दुर्घटनाओं से बचाने के लिए किया गया है। इस अगर ब्रिज की बात करें, इस पुल के अगर लंबाई चौड़ाई की बात करें साथियों, तो यह पुल 90 फीट लंबा है, कितना, 90 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा है, 90 फीट लंबा 5 फीट चौड़ा है। इसमें साथियों सरीसृप जैसे जानवर, छोटे जानवर रखे जाएंगे, जैसे बात किया जाए तो इसमें सांप भी रखा जाएगा, गिलहरी रखा जाएगा, मॉनिटर छिपकलियों को भी सड़क पार करते समय होने वाली दुर्घटनाओं से बचाने के लिए किया गया है। साथियों बांस, जूट और घास से बनी है यह जो पुल होगा, यह बांस, जूट और घास, खरपतवार जैसी जो चीज़ें हैं, इन्हीं चीज़ों से यह 90 फुट लंबी संरचना
10 दिनों में स्थानीय ठेकेदारों द्वारा काला ढूंगी नैनीताल राजमार्ग पर बनाई गई है। इसका निर्माण साथियों 10 दिनों में किया गया है। ये जो पहला इको ब्रिज बनाया गया है इसका निर्माण स्थानीय ठेकेदारों द्वारा 10 दिन में इसका निर्माण किया गया है। साथ ही इस पुल के निर्माण में साथियों 2 लाख रुपए की लागत आई है। 5 फुट चौड़ा 40 फुट ऊंचा यह पुल 3 वयस्क मनुष्यों का वजन उठा सकता है। यह पुल जो होगा 3 वयस्क मनुष्य जो होंगे इस पुल पे क्या करेंगे चल सकते हैं, इस पुल पे चल सकते हैं या इतना वजन यह पुल क्या कर सकता है उठा सकता है। साथ ही साथ साथियों वन अधिकारियों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इसका इस्तेमाल तेंदुओं द्वारा भी किया जाएगा। हाईवे नैनीताल का मुख्य मार्ग है और इसका उपयोग खासकर पर्यटन सीजन में बड़ी संख्या में वाहनों द्वारा किया जाता है। ठीक साथियों ये जानकारी थी। अगली जानकारी की बात करें अगर अगली जानकारी की बात करें साथियों तो अगली जानकारी है कि विवाह में पारदर्शिता के लिए कौन सा राज्य कानून लाने की योजना बना रहा है कि विवाह संबंधी जो भी चीज़ें हैं उसमें पारदर्शिता लाई जाए। ठीक साथियों विवाह में जो तमाम खामियां आ जाती हैं, शादी होने के बाद पता चलता है, शादी होने से पहले पता चलता है कि लड़का इंजीनियर है डॉक्टर है, जैसे ही शादी होती है वैसे लड़के अपने घर आके बैठ जाते हैं, तब फिर सारी डॉक्टरी सारी इंजीनियरिंग जो भी होती है आके घर पे ही होती है। जब तक शादी नहीं हुई है लड़का डॉक्टर है इंजीनियर है और बोलेंगे कि सुपरवाइजर है और पता नहीं क्या क्या लोग बता देते हैं, और जैसे ही शादी होती है वैसे ही लड़के घर पे आके बैठ जाते हैं। तो शादी मतलब विवाह में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सा राज्य कानून लाने की योजना बना रहा है, तो साथियों असम राज्य है। असम राज्य विवाह में पारदर्शिता के लिए असम राज्य विवाह में पारदर्शिता के लिए कानून लाने की योजना बना रहा है। असम राज्य जो है साथियों यह राज्य विवाह में पारदर्शिता किस प्रकार से लाई जाए इसके लिए कानून लाने की योजना बना रहा है। साथियों असम के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं हिम्मत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में यह बताया। असम के साथियों स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो असम के स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं, हिम्मत बिस्वा शर्मा। क्या असम के स्वास्थ्य मंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा जी असम राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में यह बताया कि राज्य सरकार विवाह में अधिक पारदर्शिता के लिए कानून लाने पर विचार कर रही है। यह कानून दूल्हा और दुल्हन दोनों के लिए उनकी जरूरी जानकारी जैसे कि उनके धर्म और आय के स्रोत का खुलासा करना आवश्यक बनाएगा। यह जो शादी इसमें जो होगा साथियों यह जो कानून होगा इस कानून में यह कंपलसरी किया जाएगा कि दुल्हन और दूल्हे का धर्म क्या है, साथ ही साथ उनके आय का स्रोत क्या है, इसका खुलासा इसमें किया जाएगा। उन्हें आगे यह कहा गया कि उनके राज्य का नया विवाह कानून उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य में लागू कानूनों से अलग होगा।
जो असम राज्य में विवाह कानून लागू होगा वह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो कानून लागू है उससे अलग हो गया। मुख्य रूप से महिलाओं को सशक्त करेगा। जो असम राज्य का कानून आएगा उसमें महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, साथ ही साथ इस कानून के माध्यम से पति और पत्नी के बीच पूरी पारदर्शिता आएगी। हिम्मत बिस्वा शर्मा ने आगे यह भी बताया कि उनकी सरकार ने इस कानून का मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया है। असम राज्य का यह विवाह कानून प्रेम विवाह के साथ साथ सामान्य विवाह के लिए भी अनिवार्य होगा। प्रेम विवाह तो होगा ही होगा, साथ ही उसमें अनिवार्य होगा ही, साथ ही साथ जो सामान्य मैरिज होगी, सामान्य मैरिज होगी उसमें भी यह कानून लागू किया जाएगा। ठीक साथियों, अगली जानकारी की बात करें तो वह कौन सा राज्य है जिसने एक मुफ्त में बिजली बिल निपटान योजना 2020 की शुरुआत की है। वह कौन सा राज्य है जो एक मुफ्त में बिजली बिल निपटान योजना 2020 की शुरुआत की है? तो गोवा राज्य है साथियों, गोवा राज्य ने एक मुफ्त में बिजली बिल निपटान योजना 2020 की शुरुआत की है। साथियों, गोवा राज्य जो है वह एक मुफ्त में बिजली बिल निपटान योजना 2020 की शुरुआत की है। कब? एक मुफ्त में बिजली बिल निपटान योजना 2020 की शुरुआत की है। ठीक साथियों, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 30 नवंबर 2020 को अपने राज्य के सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक मुफ्त निपटान योजना की शुरुआत की है। इस योजना की घोषणा की बात करें साथियों, तो इस योजना को जो गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत जी, वो 30 नवंबर को जानकारी दी। कब? 30 नवंबर को। इसकी जानकारी दी गोवा के मुख्यमंत्री कि बिजली बिल निपटान योजना 2020 की शुरुआत की जा रही है। साथियों, जिसके तहत कुल 1.3 करोड़ रुपए की छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बिजली के बिल के भुगतान के लिए राज्य ने बिजली उपभोक्ताओं को छूट प्रदान करने का फैसला किया है क्योंकि लोगों को एक ऐसी योजना का पालन करने में आसानी होती है जो उन्हें किस्तों में अपने बिलों का भुगतान करने में सक्षम बनाएगी। अर्थात ये जो योजना होगी यह कई किस्तों में, इंस्टॉलमेंट में आप लोगों को पैसा या बिजली का बिल जमा करना पड़ेगा। उन्होंने आगे यह भी बताया कि इस वर्ष अप्रैल और मई के महीने में कम बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं के बिल का 50% शुल्क माफ कर दिया गया था। गोवा में पिछले 2 महीने से बिजली विभाग के पास बढ़े हुए बिजली बिलों के संबंध में शिकायतें भी आ रही थी जिससे विपक्षी दल प्रदर्शन वगैरह भी कर रहे थे। ठीक साथियों, तो ये गोवा के मुख्यमंत्री की एक पहल है गोवा राज्य के लोगों के लिए। ठीक साथियों, अगली जानकारी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, इसकी जानकारी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। तब से मैं अगले क्वेश्चन को देखता हूँ। अगला क्वेश्चन है साथियों कि भारत सरकार की एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के तहत बजट सहायता के दौरान के तौर पर कुल कितनी राशि की व्यवस्था की गई। भारत सरकार की एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना, एक सेकेंड,
भारत सरकार की एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के तहत बजट सदस्यता के तौर पे बजट सदस्यता के तौर पर कुल 10.736 करोड़ रुपए की 10.736 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है। साथियों, भारत सरकार की एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना कौन सी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के तहत बजट सदस्यता के तौर पे अगर बात करें तो कुल 10.73 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत और भी चीज़ें क्या हैं साथियों कि भारत में कृषि सुधार के लिए एक बड़े कदम के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने 8 जुलाई 2020 को नई केंद्रीय योजना यह जो है साथियों 8 जुलाई को एक नई केंद्रीय योजना को लॉन्च किया गया। कौन सी 8 जुलाई 2020 को नई केंद्रीय योजना, जिस योजना का नाम है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना। ठीक, इस योजना को साथियों मंजूरी दी गई। यह योजना सीमित समय अवधि के साथ साथ ऋण वितरण के लिए निर्धारित प्रक्रिया के साथ मंजूर की गई है। भारत सरकार से बजटीय सहायता के तौर पर इस योजना के लिए कुल नगद, अगर बात करें कुल नगद प्रवाह की, तो इसमें बजट की टोटल बात की गई है 10.736 करोड़ रुपये की बात की गई है। केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से कृषि और कृषि प्रसंस्करण के लिए औपचारिक ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के कई अवसर पैदा होने की उम्मीद है। यह जो नई योजना शुरू की गई है साथियों 8 जुलाई 2020, अगर बात करें कि यह योजना कब शुरू की गई, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना की शुरुआत 8 जुलाई 2020 को नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इसे लाया गया। ठीक साथियों, और इससे यह बात किया गया कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मिलने के चांस होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक साथियों, अगली जानकारी है साथियों कि भारतीय नौसेना ने किस तारीख को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नोवल वर्जन को सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो साथियों, भारतीय नौसेना ने एक दिसंबर 2020 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नेवल वर्जन का सफलतापूर्वक
सफलतापूर्वक क्या किया? परीक्षण किया। साथियों, भारतीय नौसेना ने 1 दिसंबर 2020 को, कब? 1 दिसंबर 2020 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, कौन सा? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नेवल वर्जन का, कौन सा वर्जन होगा साथियों? नेवल वर्जन का सफलतापूर्वक क्या किया? परीक्षण किया। ठीक साथियों, साथियों भारतीय नौसेना ने 1 दिसंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में, अगर बात करें तो इसका परीक्षण कहाँ किया गया, तो परीक्षण कहाँ किया गया? बंगाल की खाड़ी में, परीक्षण बंगाल की खाड़ी में। साथियों, ये जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नोवल वर्जन है, इसका परीक्षण 1 दिसंबर को कहाँ? बंगाल की खाड़ी में इसका परीक्षण किया गया। कहाँ साथियों? बंगाल की खाड़ी में इसका परीक्षण किया गया। अधिकारियों के अनुसार साथियों, यह परीक्षण एक ऐसी परीक्षण श्रृंखला का हिस्सा था जो भारत की तीनों सेनाओं द्वारा किया जा रहा था। अगर यहीं पे पूछ ले कि भारत का जो सुपरसोनिक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नोवल वर्जन है, जो कि 1 दिसंबर को आयोजित किया गया बंगाल की खाड़ी में, यह कितनी, भारत की कितनी सेनाओं के साथ आयोजित किया गया? तो साथियों, भारत की तीनों सेनाओं के साथ, भारत की तीनों सेनाएं इस दौरान उपस्थित रहीं। तीनों सेनाओं के साथ इसका क्या किया गया साथियों? परीक्षण किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल इस तरह ब्रह्मोस मिसाइल का इसी तरह का एक परीक्षण भारतीय नौसेना द्वारा अक्टूबर 2020 में कहाँ किया गया था? अरब सागर में किया गया था। ठीक साथियों, ब्रह्मोस का 1 दिसंबर 2020 को किया गया यह परीक्षण नौसेना के अधिकारियों के अनुसार सफल रहा। 300 किलोमीटर का स्ट्राइक रेंज वाली इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटी शिप वर्जन ने अपने लक्ष्य जहाज को इस परीक्षण में सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है। कौन सा? एंटी शिप वर्जन है साथियों। एंटी शिप वर्जन ने अपने लक्ष्य जहाज को इस परीक्षण में सफलतापूर्वक नष्ट किया। अर्थात जो भारतीय नौसेना द्वारा 1 दिसंबर 2020 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नोवर वर्जन था, इसका परीक्षण किया गया कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी में यह तीनों सेनाओं की उपस्थिति में इसका परीक्षण किया गया, जो कि सफल रहा। क्या रहा? सफल रहा। अर्थात इसका परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया, मतलब सफल रहा। ठीक साथियों, और साथियों अगर बात करें तो ये जो आयोजन किया गया DRDO के द्वारा किया गया, तो मारक क्षमता की बात करें तो इसकी मारक क्षमता पहले 298 किलोमीटर थी। ये जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है साथियों, इसकी पहले मारक क्षमता बात करें तो इसकी पहले मारक क्षमता 298 किलोमीटर थी, लेकिन वर्तमान में अब जो परीक्षण किया गया, इसकी मारक क्षमता 450 किलोमीटर है। कितनी? 450 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है साथियों। ठीक साथियों, 450 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। और बात करें साथियों इसी में, यह ब्रह्मोस एयर स्पेस का संचालन भारत रूसी सहयोग से हो रहा है। ये जो है साथियों नोवल वर्जन है, यह इसका परीक्षण ब्रह्मोस एयर स्पेस का संचालन भारत रूसी सहयोग से हो रहा है। यह ऐसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उत्पादन करता है जिसे विमान, जहाज, पनडुब्बियों या भू क्षेत्र में सफलतापूर्वक क्या किया जा सकता है? लॉन्च किया जा सकता है। ठीक साथियों, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दुनिया में अपनी किस्म का सबसे तेज ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, अभी तक दुनिया में जितने भी ब्रह्मोस मिसाइल हैं, सबसे तेज इसका ऑपरेटिंग क्या है? सिस्टम है। DRDO ने हाल ही में इस मिसाइल परीक्षण का मारक क्षमता को मौजूदा, पहले जो 298 किलोमीटर थी उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 450 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता कर दी गई। कितनी साथियों? 450 किलोमीटर अब इसकी मारक क्षमता कर दी गई। पहले इसकी मारक क्षमता 298 किलोमीटर थी। ठीक साथियों, पहले इसकी मारक क्षमता 298 किलोमीटर थी। अगली जानकारी की बात करें साथियों,
अगली जानकारी है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकार प्रज्ञा पहल का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकार प्रज्ञा पहल का शुभारंभ किया। नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकार प्रज्ञा पहल का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साथियों कौन सी सहकार प्रज्ञा पहल का शुभारंभ किया? साथियों यह नई पहल है, यह जो सहकार प्रज्ञा है यह एक नई पहल है। साथियों सहकार प्रज्ञा भारत में प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी क्षेत्र की क्षमता के विकास में मदद करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन की एक पहल है। यह पहल साथियों जो सहकार प्रज्ञा पहल है यह राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की एक पहल है। राष्ट्रीय सहकारी किसकी? राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की यह एक पहल है साथियों। ठीक, जो सहकार प्रज्ञा पहल है यह राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की एक पहल है। साथियों इस पहल के तहत किसानों के लिए 45 नए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। इस पहल के तहत साथियों किसानों के लिए 45 नए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। पैंतालीस नए प्रशिक्षण मॉड्यूल साथियों तैयार किए गए हैं सहकार प्रज्ञा पहल के तहत। किसके लिए? किसानों के लिए। ठीक साथियों, साथ ही साथ जिसमें साथियों NCDC द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी समितियों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसमें साथियों ये जो पहल है इसमें NCDC द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण मॉड्यूल का उद्देश्य जानकारी और संगठनात्मक कौशल प्रदान करना है और देश भर में प्राथमिक सहकारी समितियों को तैयार करने का प्रयास करना है जो सरकार को आत्मनिर्भर भारत पहल की एक बड़ी भूमिका निभाने में क्या होगा? सक्षम होगा। बड़ी भूमिका निभाने में क्या होगा साथियों? सक्षम होगा आत्मनिर्भर भारत पहल के लिए। साथियों अगर नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो ये कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। कई मंत्रालय हैं इनके पास। नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें साथियों, कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायत राज पंचायत राज और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें साथियों तो नरेंद्र सिंह तोमर के पास कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज,
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। ठीक साथियों, तो ये आज के हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर हुआ करते थे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर हैं जिसको कि आज हम लोगों ने करने का काम किया। क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दिया करिए, साथ ही साथ आप लोग क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए जिससे कि और भी विद्यार्थियों तक यह क्लास पहुँच सके। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लोग लाइक भी किया करिए। साथ ही साथ साथियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो आप भी हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब कर हमारे इस परिवार का सदस्य बनिए। उसके बाद साथियों, आप बेल आइकन को भी दबाइए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबाइए जिससे कि और भी आने वाली नोटिफिकेशन एजुकेशनल रिलेटेड या और भी क्लासों की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। ठीक साथियों, तो ठीक है, क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।